कोई कारण होता है, ठीक है, राजनीति है, लोग बाग खफा हो जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन के आगे मैं समझता हूँ किसी भी विरोधी दल का कोई भी यहाँ पर चुनौती नहीं है। और यहाँ से मनगवा और आठों विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। जो भी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो भी उसके नियमावली है, मैं उससे सहमत हूँ और उसी लाइन पर मैं आगे काम करूंगा। इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मैं शैक्षणिक जगत से जुड़ा हुआ हूँ, इंजीनियर हूँ। मैं ये चाहूंगा कि प्रत्येक ब्लॉक में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, ITI खुले, और जहाँ भी अस्पताल नहीं है वहाँ पर अस्पताल खुले और वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस की भर्ती विधिवत तरीके से हो और स्कूलों का उन्नयन हो। मनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट पर हैं। बात करें मनगवा विधानसभा सीट की, तो यहां पर पिछले दो बार से बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदल करके चौंका दिया था। इस बार इंजीनियर नारायण प्रजापति बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्थितियाँ किस तरीके से बदल रही हैं और किस तरीके से आपके पक्ष में हैं। सबसे पहला तो यही सवाल कि आपके जो पूर्व के विधायक थे पंचूलाल प्रजापति जी ने, उनके माध्यम से इस बार पर्चा दाखिल कर दिया गया था आपके विरोध में, चूँकि आप एक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, फिर उसके बाद पर्चा वापस लिया गया, तो इन दोनों घटनाओं को लेकर के आप सकारात्मक किस तरीके से देखते हैं, नकारात्मक इसको कैसे देखते हैं? सर, प्रथम तो मैं आप सभी को दीपावली आने वाले त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ मनगवा विधानसभा से अधिकृत किया है चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है वह ज़मीनी स्तर पे होता है, तरह तरह के उनके मतलब स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद प्रत्याशी का चुनाव होता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि सम्माननीय विधायक पंचूलाल प्रजापति जी या पन्ना भाई प्रजापति जी ने पर्चा दाखिल किया, वो एक त्वरित उनका थोड़ा सा मतलब नाराज़गी थी, जिसे पार्टी के द्वारा मेरे द्वारा उनके प्रति मतलब सम्मान की दृष्टि से वो पर्चा वापस कर लिया गया है और वर्तमान में अब वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मनगवा में लाल गांव में वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। क्या कारण है कि रीवा इस बार, रीवा से कई सारे लोग रूठ गए और फिर जो तो अब मनाने की कोशिश हुई, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल और उसके जो मतलब प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, चुनाव वो लड़ते हैं। कोई कारण होता है, ठीक है, राजनीति है, लोग बाग खफा हो जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है और जो उसके विचारों से संबंधित है और समर्पित है वही सच्चा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। और जैसे पंचूलाल जी ने, उनकी पत्नी ने पर्चा दाखिल किया फिर वापस लिया, तो एक तरीके से तो डैमेज कंट्रोल पार्टी ने कर लिया, लेकिन कहीं आपको भीतरघात का तो सामना नहीं करना पड़ेगा? एक दीर्घगामी परिणाम तो जो है तो नुकसानदायक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत ही सम्माननीय है विधायिका जी और विधायक जी भी, और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में ही मैं पार्टी में आया था और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है और वो विधिवत क्षेत्र में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी से बबीता जी हैं, वहीं प्रीति जो हैं तो जो पहले कांग्रेस में थी वो समाजवादी से उम्मीदवार हैं, वहाँ भी एक फूट पड़ी हुई है। इसी तरीके से वरुण अम्बेडकर और जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनकी स्थितियाँ कैसी हैं ये हम जानना चाहेंगे आपकी नज़र में। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन के आगे मैं समझता हूँ किसी भी विरोधी दल का कोई भी यहाँ पर चुनौती नहीं है। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया वो भी सम्मानित जन ही हैं, लेकिन जहाँ तक तुलना की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने कोई और किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और यहाँ से मनगवा और आठों विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। आप पूरी तरीके से इस सीट को सुरक्षित मान रहे हैं या कहीं कोर कसर अभी बाकी दिखाई देती है? देखिए, चुनाव है, है ना, चुनाव है, चुनाव को 100% एफर्ट लगा करके लड़ना चाहिए। सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से आशान्वित हैं, प्रतिबद्धित हैं, कटिबद्ध हैं कि हम कमल के लिए लड़ रहे हैं, एक विचार के लिए लड़ रहे हैं और उस विचार में वो सभी जीतेंगे। चूँकि एक आरक्षित सीट है, इसलिए एक थोड़ा सा सवाल हमारा इससे भी जुड़ा हुआ है। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, जिसमें ST SC के लिए अलग से आरक्षण की सुविधा दी गई।
ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की सुविधा नहीं, जिसको लेकर के ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं विरोध जताता है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना के बाद देश में भी उसकी मांग उठ रही है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं उसे किनारा कर रही है। तो भविष्य में भाजपा क्या स्टैंड होगा इस चीज़ को लेकर के, और आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और प्रदेश में भी तो असर करेगा। प्रदेश में भी करेगा, राष्ट्रीय मुद्दा और जो प्रदेश स्तर की ये जो बातें हैं आप जो कह रहे हैं, तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो भी उसके नियमावली है, मैं उससे सहमत हूँ और उसी लाइन पर मैं आगे काम करूँगा। इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप अधिकृत नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए, हम ये माने आप बिल्कुल। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से जो तो मतदान के लिए लोगों? मतदान के लिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 17 नवंबर को जो कमल चुनाव चिन्ह है ईवीएम में सबसे नंबर एक पर है, तो मैं सभी लोगों से यह विनती और अनुग्रह करता हूं कि नंबर एक पर जो कमल चुनाव चिन्ह है उसे नंबर एक पर ही रखने का मेरा सभी से आग्रह है। और लगातार 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो लगभग 15 साल जो तो भाजपा के खाते में यहाँ पर रही सीट, लेकिन विकास की अगर नजरिए से देखते हैं तो विकास अपेक्षातीत महसूस नहीं हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? ऐसा लगता है मनगमा अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सदैव चलता रहता है, सदैव होता रहता है। हमारे सम्मानीय जो वरिष्ठ भाजपा के नेता थे पंचुलाल प्रजापति जी, विधायिका श्रीमती पन्नावाई प्रजापति जी, उन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार सारे कार्य किए, जैसे कि तहसील यहाँ पर मनगमा में कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तमाम चीज़ें जो है, और नल जल योजना का बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। उन सभी योजनाओं पर हमारे सम्मानियों ने काम किया, शेष जो भी कार्य है उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। अगर लक्ष्यात्मक कार्यों की बात करें, कुछ प्रमुख दो चार काम कौन से ऐसे हैं जो आपकी नज़र में है जो भविष्य में आप करेंगे? भविष्य में देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही इतनी सारी योजनाएँ हैं, उदाहरणार्थ जैसे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, तीर्थ दर्शन योजना और लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और इसके अलावा किसान सम्मान निधि, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर ही यदि कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि करे, तो मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंत्योदय, अंत्योदय सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो गरीब और पीड़ित है, तो उसके जीवन में भी उजाला लाया जा सकता है। अब रही बात सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें तो मूलभूत समस्याएँ हैं और ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी प्रतिपूर्ति हर व्यक्ति की होनी चाहिए भारतवर्ष में। इसके लिए मैं प्रतिबद्धित होकर के आगे काम करने का प्रयास करूंगा। ये अंतिम सवाल है मेरा, जैसे आप, बिल्कुल अंतिम सवाल मैं कर रहा हूं कि जैसे आपने ये सारी चीज़ें गिनाई, लेकिन जैसे आपके साथ इतने सारे समर्थन वाले लोग हैं, तो एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र को ऐसे बनाएंगे, तो एक प्रतिनिधि के तौर पर आप कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, मैंने कहा हालांकि जो भी योजनाएं उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन जहां पर आप ड्रीम की बात कर रहे हैं, तो मैं शैक्षणिक जगत से जुड़ा हुआ हूं, इंजीनियर हूं, मैं ये चाहूंगा कि प्रत्येक ब्लॉक में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, आईटीआई खुले, और जहां भी अस्पताल नहीं है वहां पर अस्पताल खुले और वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेस की भर्ती विधिवत तरीके से हो और स्कूलों का उन्नयन हो। इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी आगामी चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने माध्यम से कहीं ना कहीं क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से, आप अपने सुझाव पत्र के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।